हॉबी जहां न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। KSL पर कई संगीन आरोप, बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में प्रवक्ता, निदेशालय में इंप्रेस मॉल कमर्शियल प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में ले लिया है। नागपुर में सैकड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी शुरुआत से ही विवाद में रहा है। इसे निर्माण करने वाली कंपनी KSL इंडस्ट्री लिमिटेड प्रबंधन पार्टी पे कई संगीन आरोप है। इस कंपनी ने न केवल अपने ग्राहकों को फंसाया है बल्कि अब छोटे मोटे काम के लिए रखे गए कर्मचारियों की पगार भी कई महीने से नहीं दी गई है। मॉल परिसर में स्थित कंपनी के दफ्तर में रोजाना कर्मचारी अपने बकाया को हासिल करने के लिए पहुँचते है, मगर आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया। नागपुर शहर की बीचों बीच एम्प्रेस मॉल और उससे जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तीन बैंकों में आर्थिक धोखाधड़ी के चलते प्रवर्तन निदेशालय मॉल और इसका संचालन करने वाली कंपनी KSL इंडस्ट्री लिमिटेड प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। वैसे ये मॉल और उससे जुड़ा कोई नया विवाद नहीं, गलत ढंग से मार्ग का निर्माण या अवैध निर्माण उसे लेकर कई कार्रवाइयां इससे पहले भी हो चुकी। कंपनी द्वारा मॉल के पीछे बनाई गई रिहासी फ्लैट्स की इनका मामला तो अदालत में चल रहा है। अब कंपनी द्वारा मॉल में रखे गए सैकड़ों कर्मचारी अपने वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साफ सफाई सुरक्षा जैसे कामों के लिए रखे गए सैकड़ों लोगों का वेतन का भुगतान कई महीनों से नहीं किया गया। अपनी मेहनत का हक हासिल करने के लिए कर्मचारी KSL इंडस्ट्री लिमिटेड के चक्कर लगा रहे हैं और बाहर धरने पे बैठ गए हैं, मगर उन्हें बीते तीन महीने से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। कंपनी की हलचल बाहर तक ना पहुंचे इसके चलते बकायदा निगरानी रखी गई है, साथ ही बाहर से आने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अपरिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद इन कर्मचारियों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उन्हें उनका बकाया मिल पाएगा या नहीं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।